क्या कहेंगे विकास जी आज? हमारा एक ही मुद्दा सर, पिछले कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर बालिका समाज के बच्चों की खुले में शोष करने के कारण हत्या कर दी गई थी लाठियों द्वारा, उसी के संदर्भ में आज हमने कैंडल मार्च निकाला है और कैंडल मार्च के द्वारा हमारा ये मांग है कि सख्त उनके साथ सजा हो, उन्हें एक फरार है उसको भी पकड़ा जाए और उस असहाय गरीब परिवार जिसके लिए आप सरकार द्वारा जितनी सरकारी नौकरी मिले, आवास मिले, क्योंकि वो झोपड़ी में रहते थे, उनका घर में साधन भी नहीं था और वो बच्चे तो इसी मांग को लेकर हम लोगों ने आज ये कैंडल मार्च निकाला है ताकि आने वाले समय में संदेश जाए कि जैसा इन परिवार के बच्चों के साथ हुआ है ऐसा और किसी के साथ ना हो और हमेशा ये बालिका समाज के लोगों पर या उन लोगों पर ही अत्याचार क्यों होते हैं, इस मांग को लेकर आज हमने कैंडल मार्च निकाला। गिल साहब, शिवपुरी में 25 तारीख को मर्डर हुआ और 24 तारीख को अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में सफाई कर्मचारी का जो मर्डर हुआ है, पाई नहीं है, अरेस्टिंग नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उसका भी हम संज्ञान में है, उसके लिए भी हम सब लोग मिलकर धरने प्रदर्शन करने जा रहे हैं जो अमरोहा में हुआ है और 2 अक्टूबर को हमने राजघाट पर एक विशाल प्रदर्शन किया था सरकार को जगाने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार को जगाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री से भी हमने ये निवेदन किया था कि स्वच्छता के नाम पर किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए, स्वच्छता के नाम पर मानवता का कत्ल हुआ है। प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इन तीनों हत्यारों को जल्द से जल्द ट्रैक फास्ट कोर्ट पर इनको जल्द से जल्द सजा मिले, 90 दिन के अंदर इनको सजा मिले और जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, जिससे आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना हो। जी धन्यवाद। सुनीता चौधरी जी, क्या कहेंगे इस निंदनीय घटना पर? देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है, समाज में, समाज के लिए कलंक है। एक दो बच्चों को एक सोच के कलेक्टर को ज्ञापन दिया है अभी उसके लिए कत्ल करना, ये निंदनीय है। भारत का, भारत देश के लिए बहुत ये अशोभनीय बात है। हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहेंगे कि जो भी है, कहते हैं कि इतना शौचालय बन गया है, ये बन गया है, अगर शौचालय बन गया है, इतनी फैसिलिटी मिल गई है, इतनी सुविधा मिलने के बाद तो वहाँ क्यों नहीं सुविधा मिली है? सुविधा ना होने के कारण अगर ये दो छोटे बच्चे जो नादान है, अगर शौचालय सोच करते थे उनका कत्ल कर दिया जाता है तो इससे मतलब निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती। ठीक है, और मैं यही कहना चाहूँगा चलिए देखिए, हमारे साथ में है हाई कोर्ट के एडवोकेट जो संजय चावरिया जी, तो उनसे हम जानना चाहेंगे सर, इस केस में लीगली क्या क्या हो सकता है, इसमें सजा क्या प्रावधान क्या है और क्या मुआवजा क्या क्या है? और ज्यादा से ज्यादा फांसी की बनती है, क्योंकि जब 1977-78 में गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा केस के अंदर उनके हत्यारों को फांसी दी गई है, ठीक है, निर्भया कांड में भी एक फांसी दी जा चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इस केस में क्यों नहीं? ये केस किसी से कम नहीं है, वहां पर हम किसी अनैतिक तरीके से हासिल नहीं, कोई भी किसी तरह का कोई अनैतिक काम करके हासिल नहीं कर सकते, हमें माननीय न्यायालय में पूरा विश्वास है, तो हम इस केस को पूरी तरह परस्यू करेंगे और मैं अपने व्यक्तिगत लेवल पे भी इस केस को देखूंगा और इस केस में हम चाहेंगे कि इसमें जितने भी मुलजिम हैं इनको पूरी सजा मिले कानून के अनुसार। जी, तो मतलब ये प्रावधान है कि फांसी उसको हो सकती है इसके अंदर? हाँ जी, प्रावधान है और हम जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि अन्य पिछले हम केसों को देखें उन केसों में भी फांसी दी गई है, तो इस केस में भी दी जाएगी। निर्भया कांड से कम कांड नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों को जो कि एक सोच का, तो एक मुझे नहीं लगता कि केस में अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में जो सफाई कर्मचारी सतवीर का जो मर्डर हुआ है और उसको पुलिस ने जो है नेचुरल डेथ बताने की कोशिश की कि शराब पीकर जो है वो एक्सपायर हुआ है, मगर उसमें जो है मर्डर हुआ है, काफ़ी हुआ है, उसके जो आई विटनेस है वो भी मौजूद है, उन्होंने भी विटनेस देने से साफ कह दिया है कि हम कहीं भी बोल सकते हैं, जो सच्चाई है वो बोलेंगे।
तो जो है वो मर्डर है। अब चार्ज जो है FIR दर्ज हो चुकी है, उसके बाद भी जो है अरेस्टिंग नहीं हो पा रही। देखिए इसके अंदर आशा सुनील जी, इसमें भी SC ST एक्ट लगा हुआ है, 302 है, मर्डर हुआ है और SC ST एक्ट के अंदर इसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब ये है कि पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही, ये तो अब पुलिस जानती है, लेकिन ये है कि हम इस केस में भी, मैं व्यक्तिगत रूप से इस केस को देखूंगा और इसमें चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसमें मुलजिमों की गिरफ्तारी हो और वो अरेस्ट। जी अच्छा, जागो समाज चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है, जागो समाज चैनल एक समाज के लिए बहुत एक निष्पक्ष रूप से और बगैर किसी लोभ लालच के बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं जागो समाज चैनल को बधाई देना चाहूँगा और इसको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जितने भी हमारा समाज के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो ये जागो समाज चैनल इसको स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका निर्वाह करते हुए इन बुराइयों को सामने लेकर आ रहा है। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है जागो समाज चैनल। चलिए धन्यवाद सर।